हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये कैसी आज सब्जी बनाने जा रही हूँ जो कि आप एक बार खा लीजिएगा तो इसके दीवाने ही हो जाइएगा। तो देखिए, इस तरह से भी फ्रेश फ्रेश अदरक के पत्ते मिलते हैं बाज़ार में, तो मैं उसी से लाया हूँ। कितने लोग घर में भी लगाए हुए रहते तो वहाँ से भी मिल जाती है, तो मैं तो बाज़ार से लाई हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक बाउल लिए हैं, इसमें 2 चम्मच के करीब बेसन, नमक, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हींग इसमें डाल दिए हैं, और हल्दी 1 चम्मच के करीब, यहाँ लहसुन का पेस्ट लिए हैं। इसको सारा को मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ पानी नहीं डालने, नहीं तो गुठली पड़ जाएगी। इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा, इसको मिक्स करते जाइए तो बहुत अच्छी बनती है इसका बैटर। तो देखिए, इस तरह से इसको मिक्स कर रहे हैं हम। इसके सामने मछली भी फीकी है, इतनी अच्छी टेस्टी बनती सब्जी। तो देखिए, इस तरह से पत्ते धो ली के रखे हैं हम। अब इस तरह से सारा बेसन को बैटर के इस तरह से फैला देंगे पत्ते में। इस तरह से मैं 2-2 पत्ते के मैं बनाई हूँ। आप लोग चाहे तो एक बार में 4-5 पत्ते डाल के भी फोल्ड कर सकते हैं, मैं 2-2 पत्ते से ही बनाई हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है सारा को, इसी तरह से फोल्ड किया जाता है इसको। देखिए, सारा मेरा हो गया है, यहाँ पानी उबलने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे एक चाली था, मैं इससे दूर ढकती हूँ, मैं उसी को रख दी हूँ। अब इसको इस पे जो रोल किए थे पत्ते यहाँ रख देंगे स्टीम होने के लिए। इसको स्टीम करना ज़रूरी है, तभी अच्छा लगते हैं। तो देखिए, इस तरह से 5 से 10 मिनट में हो जाती, 5 मिनट में स्टीम, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो यहाँ पे देखिए, स्टीम भी हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ठंडा हो गया तो इसको इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। इसको इतनी अच्छी लगती है कि इसके सामने मछली भी खाना भूल जाएगी। इसकी सब्ज़ी अगर एक बार खा लिए तो मछली खाना ही भूल जाइएगा, इतनी टेस्टी लगती है इसकी सब्ज़ी। तो देखिए, इस तरह से पीसेस में कट कर लिए। देखिए कितनी अच्छी इसकी लेयर बनी है। अब इसको इधर तेल गर्म होने के लिए पहले से रख दिए थे, अब इसमें पीसेस के फ्राई कर लेंगे सारा को। तो इस तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं। आप लोग भी, मैं तो एक इसको फर्स्ट बार मैं बनाई हूँ, बहुत ही, मैं कभी नहीं आज तक इसको ट्राई किए थे। मैं तो, मेरे घर में तो इसके सारे लोग दीवाने ही हो गए हैं। जब भी मिल जाती है तभी आती है, इतनी अच्छी सबको लगे। इसको इस तरह से फ्राई करके ही भी खा सकते हैं, इसको गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए, यहाँ गोल्डन हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी लगती है। इसको देखिए, इस तरह से सारा को निकाल लिए हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं, बना के ट्राई कर सकते हैं। आप लोग भी अपने घर में एक बार अगर बना दीजिएगा तो सब लोग दीवाने हो जाएंगे इसके। तो देखिए, यहाँ पर प्याज दे डाल दिए हैं इस तरह से, इसमें नमक डाल देंगे क्योंकि जल्दी पक जाए प्याज। तो देखिए, यहाँ पक गया। टमाटर भी डाल के मसाला डाल दिए हैं सारा। तो नहीं, इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर, ज़्यादा मसाला मैं यूज नहीं की हूँ, बस 2 ही मसाला, 1 गरम मसाला डाले हैं, 1 लहसुन पेस्ट है। ये मैं बाद में डालती हूँ, पहले मैं नहीं डालती हूँ। इसके बाद दही मैं 1/2 कटोरी करी ली हूँ, फ्रेश दही लीजिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। तो देखिए, तेल छोड़ने लगा है, तो
मेरा मसाला सारा भून गया। अब इसमें पानी डाल देंगे। इस तरह से पानी डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। एक उबाल आने तक इसको उबाल लेंगे। उबाल आ गया है, अब इसमें सारा डाल देंगे पीसेस को। मेरे यहाँ तो आधा ज़्यादा फ्राई करके ही खा लिए, तो यहाँ 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे ढक के। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसको देखिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए एकदम लग रही है ना कि बिल्कुल मछली ही है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। जो अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं, इसी तरह के वीडियो आते हैं।